कि नौबत क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो इश्यूज फेस के हवाले से जगह जो हमारे मुल्क यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से 3 महीनों से हमें धमकाया गया। हम पुरान तरीके से गोलकचोक में अपना धरना जारी रखे। तो कल DC साहब भी आए हुए थे, यूनिवर्सिटी वालों ने मीटिंग में भी बुलाया, हम नहीं जा रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट के DC साहब ने कि मैं आया हूँ तो लिहाजा आप लोग आए थे बैठक करें। हमने उधर जाके अपने वो मौके उनको बयान किया, मौके तो खैर उनको पता है, फिर DC साहब को भी पता है कि ये हमारे फेस का मामला था। उसके बाद मतलब उन्होंने कोई सही रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया, हम उधर से उठ के बाहर निकले। पीछे से एक नोटिफिकेशन आता है कि हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी बंद होगी और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अब जो बच्चे 3 महीनों से रोलू गए, जिन्होंने अपने फीसों के हवाले से एहतजाज किए हुए हैं, अब वो पीछे से नोटिफिकेशन से कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होंगे, छुट्टियां होंगी। तो हमने इस बात को सरासर मुस्तरद किया और उसके बाद आल अलायंस वालों ने मिल के ये इतफाक किया कि हम सुबह बैठ के कोई फैसला लेते हैं। तो रात को हमें खदशा था कि हमारे जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, कि उनके हॉस्टल से सील करके इनको निकाला जाएगा। सुबह ही हमें मैसेज पहुंच गई कि लड़कियों किस तरह ज़बरदस्ती उनको हॉस्टलों से निकाल रहे हैं। हम वहां जाके पहुंच गए तो ये मसला खड़ा हुआ था। हमारे गैरत के तकाजा है कि हम अपनी बहनों के तहफ़ अपने बहन भाइयों के हकूक़ के लिए भरपूर अंदाज़ में आवाज़ इससे पहले भी उठाए, इसके बाद भी उठाएंगे। उसके बाद हम मजबूरन यहाँ के कैच का हमने रुख किया है। अब जो भी फैसला होगा इसी चौक में होगा और इन्हीं भाइयों के सामने होगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया है। इंशाअल्लाह हम उनके एतमाद पे पूरे उतरेंगे। जब तक हमारे मुतालिबात हल नहीं होते हम इधर ही हैं। हो सकता है हमारा लग आगे कलाए अमल भी तय हो कि हम किसी हाउस का घेराव करें या CM हाउस हो या गवर्नर हाउस हो, तो फ़िलहाल हम इधर ही हैं। इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा यहाँ चौक पर ही होगा।